प्रीवियस लेक्चर में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया गया था कि पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। तो अभी हम लोगों ने पर्सन के बारे में पढ़ लिया, पर्सन दो पर्सन जो ट्रांजेक्शन करेंगे। बट सेकेंड ग्रुप रियल अकाउंट का है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये आपका सेकेंड पॉइंट। ट्रांजेक्शन के लिए मैंने बताया था कि थ्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांजेक्शन में थ्री पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर्सनल अकाउंट, जो कल बताया गया, मतलब पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई दो इंसान ही करेंगे, दो पर्सन करेंगे, दो पर्सन के बीच में ही ट्रांजेक्शन होता है। तो पर्सन तो इंपॉर्टेंट है, विदाउट पर्सन ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके बीच में कोई सामान होगा, कमोडिटी होगी, तो वो सामान का जो मूल्य है उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, नेम ऑफ कमोडिटी इसमें इंक्लूड की जाती है। नेम ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये कमोडिटी नेम है। उस तरह तो जो भी सामान आपको दिखाई देता है वो सारी चीजें इसमें आएंगी, कमोडिटी। जैसे मान लीजिए कि आप घर में देखो जितने भी सामान है, घर के बाहर जब निकलो उसको देखो कितने सामान है, यानी जितने भी सामान होंगे कमोडिटी होगी, जिसका ट्रांजेक्शन होता होगा। आलू और ग्वार में पूरे अर्थ के उस सारे सामान को हम इसमें इंक्लूड करें, बट अकाउंटिंग उसी का करेंगे जिस सामान का हम ट्रांजेक्शन करेंगे, उसी का नाम लिखेंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम किसी भी सामान का, जिस चीज का हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उसी सामान का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो गुड्स, गुड्स किसको कहते हैं, गुड्स कौन सी कमोडिटी है? तो गुड्स बेटा बिजनेसमैन जिस सामान का बिजनेस करता है, जिस सामान का बिजनेस बिजनेसमैन करेगा उसको गुड्स नेम देता है, गुड्स के नाम से इंट्री होती है। उसके अलावा अदर अगर सामान की ट्रांजेक्शन करता है तो उसका नाम नोट होता है। जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान वाला है तो कपड़े को गुड्स बोलेगा, अगर वो फर्नीचर की दुकान वाला है तो फर्नीचर को गुड्स बोलेगा, अगर मशीनरी का शॉप है उसकी तो मशीनरी को गुड्स बोलेगा। बट जिस चीज का बिजनेस करेगा उसको गुड्स बोलेगा, बाकी चीजों को वो पर्सन उसके नाम से नोट करेगा। जैसे दवा की मेडिसिन की दुकान है तो मेडिसिन को वो गुड्स बोलेगा, लेकिन बाकी चीजों को, सब्जी खरीदता है, फैन खरीदता है, बुक खरीदता है, पेन खरीदता है, क्लॉथ जो है वो परचेज करता है, टीवी परचेज करता है, बिल्डिंग परचेज करता है, उन सब सारी चीजों को खरीदता है तो उसका नेम लिखेगा। बट अगर मेडिसिन का वो बिजनेस कर रहा है तो मेडिसिन को वो गुड्स लिखेगा। दैट क्लियर? अगला सेकंड पॉइंट है कैश। आप जानते ही हैं कि कैश का ट्रांजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, सारे लोग कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कैश कमोडिटी में आता है। मशीनरी, मशीन बेटा जो मशीन किसको कहते हैं, जो हम ना चला, जो ऑटोमेटिक कुछ चले, जैसे मोटरसाइकिल है ऑटोमेटिक चलती है, अपने आप चलती है। घर में जो टुल्लू पंप लगा है वो स्विच दबाओ अपने आप चलता है, फैन है, तो इस टाइप जो खुद चलता हो जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्वचालित, ऑटोमेटिक, तो उसे हम लोग मशीनरी के श्रेणी में रखते हैं, ग्रुप में। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक कमरे की भी बिल्डिंग होती है, 100 कमरे की बिल्डिंग होती है, गरीब की भी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग मतलब मकान, और राष्ट्रपति का भी होता है, किसी का भी होता है, तो बिल्डिंग बिल्डिंग होती है। फर्नीचर, फर्नीचर में आपके सोफा, बेड, दरवाजे, ठीक है, ये सारी चीजें आपके फर्नीचर में आती है। तो फर्नीचर जो भी चीजें होंगी वो कमोडिटी में ही आएगी। अब रूल क्या है? तो रूल आपको बताया गया था कि अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें हमें कमी रहती है, डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन जब होगा तो सामान का क्या डेबिट क्रेडिट होगा? अगर आप ट्रांजेक्शन किसी सामान का ट्रांजेक्शन करते हो, कमोडिटी ट्रांजेक्शन करते हो, तो या तो सामान आएगा या तो सामान जाएगा, बस दो ही चीजें होंगी ट्रांजेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इसमें अगर सामान आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। कमोडिटी में कौन सा डेबिट रूल आपका? फर्स्ट रूल, नेम ऑफ कमोडिटी
कमोडिटीज जो होगी कम्स आर डेबिट, अगर वो आती है तो डेबिट होती है। तो आप कुछ समझ लो, अगर आप सामान आपके पास आएगा तो उसको डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 1000 रुपीज। अब इसमें सामान क्या है आपका, इसमें सामान आपका कैश है। तो कैश रिसीव मतलब क्या, पैसा मिला। अब आप खुद सोचो, पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो बताया तो आएगा तो डेबिट होगा। तो क्या यहां पे आपके पास आया है कैश, तो कैश को आप डेबिट करेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं कैश डेबिट 1000 रुपीज। कैश डेबिट मतलब होने का मतलब ही है कि आपके पास पैसा आया। दैट क्लियर। सेकंड एग्जांपल दे दीजिए। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोपाल 5000। इसमें सामान का नाम क्या है, नेम ऑफ कमोडिटी क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज का मतलब होता है खरीदना। आपने फर्नीचर खरीदा तो आप खुद सोचो, अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो तो वो आएगा कि जाएगा। तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर आएगा तो डेबिट होगा। नेम ऑफ कमोडिटी डेबिट। किसी भी कमोडिटी के नाम को आप डेबिट कर देते हो तो उसका मतलब वो सामान आपके पास आया है। दैट क्लियर। और ठीक इसी का उल्टा, अगर वो सामान जाता है तो हम उसके नाम को क्रेडिट करें। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो एक्टिविटी होती है हम उसी को शो करते हैं, बट एक अलग लैंग्वेज है अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट करना। सेकंड बी रूल, नेम ऑफ कमोडिटी उस सामान के नाम को क्रेडिट करना है जो सामान हमारे पास से जाएगा। उस सामान के नाम को क्या करना है, क्रेडिट करना है जो सामान हमारे पास से जाएगा। ठीक है, बॉन्ड वर्क क्रेडिट। तो आइए उसका एग्जांपल हम देखते हैं। कैश, फॉर एग्जांपल कैश पेड टू मोहन 500। इसमें कमोडिटी नेम क्या है, कैश। कैश पेड कर रहे हैं, कैश पेड का मतलब होता है कैश देना, पैसा देना। तो पैसा दोगे तो पैसा जाएगा क्या है, पैसा जाएगा, तो उसके नाम को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का तरीका बताया गया था, क्रेडिट को हम लोग टू लिखते हैं, टू कैश। कैश को क्रेडिट कर दिया और अकाउंट शॉर्टकट में अकाउंट को एसी लिखते हैं, बट नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। जब पर्सनल अकाउंट को आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो वहां पर अगर आपको अकाउंट लिखना है तो एस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आप एस ना लगाइए ना अकाउंट लिखिए, तब भी वो सही है। लेकिन अगर आपको अकाउंट लगाना है तो जैसे मोहन लिखते हैं तो मोहन लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा, उसके तब अकाउंट लगाते हैं, बट उसके बाद कमोडिटी में आप अकाउंट लिखते हैं। तो हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बिल्डिंग सोल्ड टू श्याम 1 लाख रुपीज। इसमें कमोडिटी नेम क्या है, बिल्डिंग को आप क्या कर रहे हैं, सोल्ड का मतलब बेचना। आप अगर बिल्डिंग अपनी बेचेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग जाएगा कि आएगा, जाएगा तो बताया गया है क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा सामान जा रहा है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो कल आप लोगों को पर्सनल अकाउंट पढ़ाया गया था, पर्सनल अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट होता है वो पढ़ाया गया था। आज रियल अकाउंट सेकंड पॉइंट पढ़ाया गया है। जब पर्सनल अकाउंट का मतलब पर्सन होंगे तो सेकंड बीच में कमोडिटी भी आएगी, तो कमोडिटी को भी डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, पर्सन को भी डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। दैट क्लियर। तो ये आपका आज का क्लास है रियल अकाउंट का, इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।